हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल आर्ट पाठशाला बाई मोनालिसा में। तो आज का जो टॉपिक है वो मैं एक बर्ड ड्रॉ कर रही हूँ और ये जो मैं कलर करूँगी वो कलर पेंसिल से करूँगी और आप लोगों को सिखाऊंगी कि कैसे कलर मिक्सिंग करना है, कैसे कलर को आपको स्प्रेड करना है, कैसे आप कलर मिक्सिंग कर सकते हैं। तो आज बहुत कुछ सीखेंगे दोस्तों, तो चलिए ड्रॉ शुरू करते हैं। अब मैं यहाँ पर पैरेट को ड्रॉ कर रही हूँ और यहाँ पर मैंने पहले आउटलाइन पहले ड्रॉ कर लिया था और अभी आपको ड्रॉ दिखा रही हूँ पेंसिल से। फाइनल जो लाइन है वो डाल के दिखा रही हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी में ड्राइंग करना होता है, हमारे पास टाइम बहुत ही कम होता है और कम टाइम में आपको सारा ड्राइंग कंप्लीट करना होता है। तो इसलिए मैं आपको पहले मैंने हल्का सा आउटलाइन जो है वो बनाकर रख दिया था और अभी आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। तो चलिए, अभी मेरा ड्रॉ जो है वो कंप्लीट हो गया है, अभी मैं कलर कर रही हूँ। तो यहाँ पर पैरेट के लिए मैं यहाँ पर लाइट ग्रीन कलर कर रही हूँ। आपको सिखाऊंगी कैसे मैं ये कलर मिक्सिंग करती हूँ। तो मेरे पास जो है ना ग्रीन कलर का बहुत सारा शेड है, तो यहाँ पर मैं लाइट ग्रीन कलर से स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं जो पैरेट ड्रॉ कर रही हूँ वो रॉ पैरेट है और रॉ पैरेट के बॉडी में बहुत सारा कलर होता है, तो थोड़ा सा स्काई कलर भी मैं यूज़ कर रही हूँ जगह जगह, जहाँ पर माथे के ऊपर, नीक के पास, बॉडी में, फेदर के जो विंग्स होते हैं पैरेट के, वहाँ पर भी थोड़ा बहुत लाइट ब्लू कलर होता है, स्काई ब्लू कलर। तो यहाँ पर मैंने पहले लाइट ग्रीन जो कलर है वो पहले हल्का सा मैंने पूरे बॉडी के ऊपर मैंने बेस कलर एज ए बेस कलर मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब मैं ग्रीन का ही दूसरा कलर पेंसिल उठा रही हूँ। ग्रीन का बहुत सारा डार्क एंड लाइट शेड का पेंसिल है मेरे पास, तो वो मैं कर रही हूँ। देखिए, थोड़ा सा डार्क ग्रीन कलर लेके मैं अब थोड़े से पेंसिल को, अगर आप थोड़ा सा प्रेशर से प्रेस करोगे तब ये कलर जो लाइट और डार्क हो जाएगा। तो अभी मैं थोड़ा सा स्काई ब्लू जो कलर होता है वो कलर से पैरेट का जो निक का जो एरिया होता है वहाँ पर मैं थोड़ा सा स्काई ब्लू कर रही हूँ और जो यहाँ पर पैरेट के जो माथे के नीचे जो नेक में जो जो रिंग होता है ब्लैक कलर का, उसके नीचे विंग्स के नीचे मैं लाइट स्काई कलर कर रही हूँ। अब देखिए मैं कलर को कैसे मिक्स कर रही हूँ। अगर पेंसिल कलर बहुत ही अच्छा दिखता है जब जितना आप उसको अच्छे से मिक्स करोगे वो कलर उतना अच्छा दिखेगा। तो देखिए मैं कैसे कैसे वो कलर को जो है उसको मिक्स कर रही हूँ। मैं जो टेल के ऊपर ये कलर मैं ब्लू कलर यूज़ कर रही हूँ। अब मैं थोड़ा सा येलो कलर करूँगी क्योंकि पैरेट का जो ग्रीन जो फेदर का जो कलर होता है वो फ्लैट ग्रीन कलर नहीं होता है। जब जितना पैरेट का एज बढ़ता है उसका फेदर में बहुत सारा कलर हमें देखने को मिलते हैं। तो मेरे घर में भी एक पैरेट है, तो यहाँ पर देखिए मैंने येलो कलर कर रही हूँ। कहाँ जो पैरेट का जो पूँछ होता है, जो फेदर पूँछ का जो फेदर होता है वहाँ पर येलो कलर हमें दिखने को मिलते हैं। निचला हिस्सा येलो होता है, ऊपर का हिस्सा वो डार्क ग्रीन कलर होता है। अभी एक बहुत ज़्यादा डार्क ग्रीन कलर लेके मैं फेदर का जो विंग्स होता है उसके बीच और उसके साइड में जो डार्क जहाँ जहाँ डार्क शेड होता है वहाँ पर मैं ये डार्क ग्रीन कलर से मैं उसको शेड दे रही हूँ ताकि ये जो मैंने फ्लैट जो ग्रीन पहले डाला हुआ है बॉडी का वो थोड़ा सा 3D इफेक्ट आए और बहुत ही अच्छा दिखे। अगर मैं फ्लैट ग्रीन करती हूँ तो वो पैरेट बहुत सा फ्लैट लगता है, बहुत दिखने में अच्छा नहीं लगता है। कलर पेंसिल का खासियत ही यही होता है कि आप उसमें जितना चाहे उसको कलर मिक्सिंग कर सकते हो, बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे हम वाटर कलर में करते हैं कलर पेंसिल में भी बहुत अच्छा लगता है और कलर पेंसिल से कलर करना मुझे बहुत पसंद है। मुझे वाटर कलर से भी ज़्यादा पसंद है कलर पेंसिल से कलर करना।
और दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आप मेरे साथ रहेंगे मेरे इस नए सफ़र में तो मुझे आगे बढ़ने में बहुत ही मोटिवेटेड होगा और मैं बहुत कुछ सीख सकूँगी, आप लोगों से बात कर सकूँगी, आप लोगों से कम्युनिकेट कर सकूँगी। आप लोग प्लीज़ मुझे मैसेज करके मुझे बताइए कि आपको क्या क्या देखना है, क्या क्या मैं आपको सिखाऊँ, तो मैं यहाँ पर आपको वही जो आप जो टॉपिक मुझे बोलेंगे मैं वही आप लोगों को ड्राइंग करके दिखाऊंगी। तो देखिए, मैंने यहाँ पर निक का जो ब्लैक कलर होता है मैं आप लोगों को बोल रही थी पहले, तो वही मैंने कर लिया है। जब पैरेट का एज दो साल हो जाता है तब ये निक का जो यहाँ पर जो काला जो स्पॉट होता है, जो रिंग होता है, वो हमें देखने को मिलते हैं। तो ये जो पैरेट है ये एडल्ट पैरेट मैं बना रही हूँ। तो देखिए, मेरा जो पैरेट है उसका कलर मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब जो डाली जहाँ पर पैरेट बैठी हुई है तो मैं वो ड्रॉ कर रही हूँ, उसको कलर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने डार्क ब्राउन कलर लिया है। तो यहाँ पर मैंने डार्क ब्राउन कलर से पहले डाली को मैं कंप्लीट कर रही हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा सा डार्क ग्रीन कलर लेके यहाँ पर मैंने पेड़ के जो डाली है उसको थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन शेड दिखा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे पेड़ में ऐसे होते हैं कि जो ब्रंच होता है वो कच्चा डाली होती है, तो वो दिखाने के लिए मैंने थोड़ा सा ग्रीन कलर लिया है। अगर डाली बहुत ज़्यादा सूख जाती है तब ये डार्क हो जाती है, और मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कच्ची पेड़ की डाली दिखाई है, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ग्रीन कलर मैंने कर लिया है। तो देखिए, अभी मैं वो थोड़ा सा ब्लू कलर लेके और ब्लैक कलर लेके भी उसको मैंने अच्छे से शेड कर लिया है। तो मेरा जो पैरेट है वो अभी बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैंने पैरेट का जो पैर है वो एक ब्लैक पेन की मदद से मैंने उसको अच्छे से आउटलाइन कर लिया है, ताकि ये दिखने में अच्छी लगे और हमें विजिबल हो सके, क्योंकि पैरेट का जो कलर वो ग्रीन है, वहाँ पर पैरेट का पैर दिखने में बहुत ही मुश्किल हो रही थी, तो इसके लिए मैंने ब्लैक पेन से उसको ड्रॉ कर लिया है। तो देखिए, अब जो थोड़ा सा एक ब्लैक पेंसिल लेकर मैंने यहाँ पर थोड़ा बहुत आउटलाइन और शेड भी कंप्लीट कर लिया है, ताकि ये जो लाइंस है वो अच्छे से हमें दिखे और बहुत ही अच्छी लगे। तो यहाँ पर अभी जो पूंछ का जो जो थोड़ा बहुत फेदर है उसको भी हमने ब्लैक कलर से, देखिए मैंने कैसे कलर कर लिया है। तो ये है हमारा फाइनल लुक पैरेट का। तो देखिए, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है करने में, अगर आप बहुत ही अच्छे से कोई पिक्चर व इमेज देखकर आप उसको करने की प्रैक्टिस करेंगे तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। कलर पेंसिल से ड्रॉ करना बहुत ही ईजी है, बस आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, और जितना आप देखेंगे, अगर आप बहुत ज़्यादा ट्यूटोरियल देखेंगे तो देखते देखते आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कहाँ से कौन सा कलर कैसे हम कर रहे हैं। मेरी और दूसरे और भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, उन लोगों का भी वीडियो देखिए, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ जाए कैसे कहाँ पर कलर करना है। तो आज का वीडियो यही तक है, तो फिर मुलाकात होगी किसी दूसरे वीडियो के साथ। तो मेरे साथ बने रहिए, तो टेक केयर, बाय बाय।